सो स्टूडेंट्स, आज हम फॉलो करेंगे एक्सरसाइज ऑफ द सन ट्रेवल्स. लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैच द कॉलम्स आर हियर. टू कॉलम्स आर गिवन. लेट्स स्टार्ट द मैचिंग. द चाइल्ड स्लीप्स. द चाइल्ड स्लीप्स व्हेन द सन इज अवे. जब सन जागता है उस समय बच्चा क्या है, सोता है. क्योंकि अनदर पार्ट की बात हो रही है, वर्ल्ड के दूसरे हिस्से की बात हो रही है, जहाँ पर दिन निकला, जहाँ पर सन निकला है, दिन निकल गया है. और एक पार्ट वर्ल्ड का ऐसा है जहाँ पर इस समय बच्चा सो रहा है. द चाइल्ड प्लेज व्हेन अदर चिल्ड्रन आर बीइंग पुट टू बेड. द चाइल्ड हैज़ इवनिंग टी व्हेन अदर चिल्ड्रन आर गेटिंग अप. नाउ मूव टू क्वेश्चन आंसर्स. विच लाइन्स टेल यू दैट द स्पीकर इन द पोयम इज अ चाइल्ड. पोयम में से ऐसी कौन सी लाइन है जिससे आपको पता चलता है कि जो स्पीकर है वो एक बच्चा है. दिस लाइन, वी राउंड द सनी गार्डन प्ले. इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो स्पीकर है वो क्या है, बच्चा है. व्हाट डज द सन डू व्हेन द चाइल्ड इज इन बेड एट नाइट. द सन सीम्स टू ट्रेवल राउंड द अर्थ एंड मेक मॉर्निंग इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. डिस्कशन क्वेश्चन है यहाँ पर. वट इज द पोएम रियली अबाउट. एक्चुअली दिस इज द पोएम अबाउट रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की रोटेशन के बारे में है. हाउ इट कॉजेज डेज एंड नाइट. कैसे जो दिन बदलते हैं, फिर रात आती है, फिर रात से दिन होता है. नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट. रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस. Still round the earth his way he takes and morning after morning makes. Who is he? In these two lines जो he दिया हुआ है यहाँ पर, ये he कौन है, किसके लिए use हुआ है. ये he use हुआ है यहाँ पर sun के लिए. So the answer will be the sun. How does he make mornings? कैसे बनती है mornings? He makes mornings by going around the earth and appearing after night. While here at home put to bed, what time is it for the child? It is daytime for the child. So the answer will be, it is daytime for the child. What time is it for Indians? Night time. It is night time for Indians. And all the children in the West are getting up and being dressed. What time is it in the West? It is morning time in the West. यहाँ पर बच्चे क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं. Why are the children getting dressed? आप तैयार क्यों होते हैं मॉर्निंग में? To go to school. Children are getting dressed to go to school. Identify six pairs of rhyming words in the poem. Write them in your notebook. So here you have to identify the rhyming pairs. Rhyming pairs क्या होते हैं, ये आपको पोयम में ही मिलते हैं. ठीक है, पोयम के जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं, जिनकी जो साउंड है, लास्ट वाले जो वर्ड्स होंगे उनकी अगर साउंड सेम आ रही है, वही आपके राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग पेयर्स होंगे. जैसे यहाँ पर है आए लाए, सेम साउंड आ रही है. आए लाए, टेक्स मेक्स, टेक्स मेक्स, सेम साउंड आ रही है पीछे से. डे प्ले, had, bed, last sound देखनी है आपको. Rhyming words आपको सिर्फ poem में ही मिलेंगे. Poem के जो last वाले words होते हैं, सिर्फ वही आपको sound को पहचानना है. अगर same sound आ रही है, वही आपके rhyming words होंगे. अगर sound same नहीं आ रही है, तो वो आपका rhyming pair नहीं बनेगा. T, C, West, Dressed. Thank you.